जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं और हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज तो है अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार रही है। ये कैंडिडेट भी मैदान में उतरे हैं और जैसे ही नॉमिनेट जो है इनका नाम होता है और सबसे पहले ये कहीं नहीं जाते, ये सीधे बावे वाली माता के मंदिर में और आते हैं और चरणों में अपने आप को स्पर्श करते हैं। ये सभ्यता है हमारी। लेकिन अभी सवाल ये यहां पर कड़वे भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं, जवाब देना टीएस टोनी जी का बनता है। तो आपको सबसे पहले सर बधाई है बहुत बहुत कि आपको कैंडिडेट का नाम जो है फाइनलाइज हुआ है, बहुफोर्ट से ये इलेक्शन जो है ये लड़ेंगे। अब पहला सर सवाल ये है कि इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा कांग्रेस को? ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक आधा दिन पीछे बीजेपी, एक दिन आगे पीछे हुए, ये ऊपर तले ये कुछ पार्टी होती है, हर एंगल से हर चीजों को मद्देनजर रखते हुए टाइम लग जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या लगता है आपको कि आपके मैनिफेस्टो में क्या डिफरेंस है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में नहीं है या पीडीपी के मैनिफेस्टो में नहीं है? देखें, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 25 झूठ लिखे गए हैं और वो ऐसे झूठ है, अब वो कह रहे हैं हमें 5 साल दो, हम ये सारे झूठ सच करके दिखाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी से, आपके पास 10 साल का वक्त था, आपने क्यों नहीं किया? आप तो कहते थे डबल इंजन यहां भी और आपकी दिल्ली में भी सरकार, क्यों नहीं किया आपने? किसने हाथ बांध रखे थे आपके? बोले बताओ, जवाब दे बीजेपी, ये जो 25 झूठ मारे हैं आपने, जुमले फेंके हमारे ऊपर, आज 5 लाख नौकरियों का याद आया आपको? आपको पहले नहीं नजर आया? पहले आपने इस रियासत को नंबर 1 रियासत बनाया अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में, पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज आप कहते हो कि जी हम हमारा संकल्प पत्र, आपके सारे संकल्प झूठे हैं, आपकी पार्टी एक नंबर की झूठी है। सवाल झूठ के बीजेपी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अगर वो सच बोलती होती तो ये जो आज जो लिखा है ये पिछले 10 साल में सच करके बताते। टोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव रैली में भी उतरे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, वो ये कह रहे हैं कि भाईचारा जो है हिंदू और मुसलमान का ये सब फ्रॉड है। आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू और मुसलमान का जो भाईचारा है वो वाकई में फ्रॉड है? ये खून और नाखून का जैसे रिश्ता ना, ये ऐसे हड्डी और मांस का जो रिश्ता है, ये हम एक हैं, इसी से खूबसूरत भारत है। लेकिन ये जिस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, वैसा माता रानी जिसके चरणों में खड़े हैं, जो हम अभी आगे मैं गुरुद्वारे जा रहा हूं और रास्ते में दरगाहें भी हैं, हम हर जगह यही दुआ करेंगे कि इनकी कामना कभी सच्ची ना हो। ये जो नफरत का भारत बनाना चाहते हैं वो कभी ना बने, वो भारत बने जो राहुल गांधी प्यार की दुकान खोल के बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप बहुफोर्ट में जीत जाते हैं, पहली कौन सी ऐसी चीज है जो बहुफोर्ट के लिए करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली चीज जो है बहुफोर्ट और पूरी रियासत के लिए, वो है रियासत का दर्जा। बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम है वो आज 5 पार नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने हमारी जो है सारी पावरें लोगों की, ये एमएलए की नहीं, लोगों की पावरें छीन के गवर्नर को दे दी है। ये पीठ के पीछे छुरा मारना, ये बीजेपी ने छुरा मारा हमारी पीठ के पीछे। पहले हमारे रियासत का दर्जा ले लिया, एलजी बिठा दिया, और फिर जो हमारे लोगों की ताकत थी वो भी छीन के एलजी को दे दी। ये है उनके पीठ में चूरा मारने की बात। और हम इंसाफ करने आए हैं, इंसाफ की जो है जिद करके हम लोगों में उतरे हैं, हम इंसाफ करेंगे हर वो काम जिससे लोगों को राहत मिलती है। चाहे वो सबसे ज्यादा जो इस वक्त तंग कर रखा है मेरे लोगों को जम्मू कश्मीर में, वो है बिजली का बिल। और जो बिजली का बिल बिना मीटर देखे चढ़ रहा है, ये बिल सारे एक बार पकड़ के पूछे जाएंगे कि कैसे बनाया तुमने ये बिल, कौन सी यूनिट पड़ी थी आपने? मेरे लोगों को आज तंग कर दिया बिजली के बिलों ने, आज एक गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं दे सकता। और आप पढ़ाई नहीं करवा रहे बच्चों को, और आप बिजली के बिल इतने इतने बढ़ा दिए, आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी। आज जो सरसों का तेल पूरे 70 सालों में 70 रुपए का था, आज वो 300 के करीब पहुंच रहा है। मेरी बहनों को पूछो जो चूल्हा चौंका करती है, वो बताएंगी आपको कि कितना सस्ता कर रहा है बीजेपी ने राशन। चूल्हा एक टाइम पर 400 राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, पर वहां से राशन ही गायब है। पेंशन सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है लेकिन पेंशन गायब है। ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो आगे तक ये दुकानें देखो, जब से माता रानी का मंदिर है तब से ये दुकानें हैं। बीजेपी 10 साल रही, इनको रेगुलराइज नहीं कर सकी, यह है उनकी काबिलियत। फेल फेल जीरो जीरो। अगर होते तो इनकी दुकानें, ये कौन सा क्या मांग रहे हैं? बोलते हैं जो नॉमिनल रेगुलराइजेशन के पैसे लगते हैं वो लो, हमारी दुकानें रेगुलराइज कर दो। क्यों नहीं करी? सारी बस्तियां आज तक
इन्होंने इररेगुलराइज रखी है। किसने हाथ रोका था? जो नॉमिनल रेट लगता वो लगाओ, करो बस्तियां रेगुलराइज, हम करेंगे। और जिस दिन हम करेंगे दुनिया देखेगी। कविंदर गुप्ता जी कहते हैं कि अगर हमारी बहुमत में सरकार बनी तो बिल्डोजर जो है जम्मू कश्मीर में भी चलेगा। अब खत्म हो गए वो दिन, बस आप छोड़ो बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम नई जो है तरक्की की कहानी। कुछ अल्फाज ऐसे थे कि वाकई में नहीं लगता है, लेकिन फिलहाल टीएस धोनी जी का मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम रंधावा से है। देखना यह है कि जीत का सहरा किसके सर पे जाता है, लेकिन फिलहाल टीएस धोनी जी जो है जैसे उनको पता चला कि उनकी उनका नॉमिनेशन उनका नाम जो है वो आ चुका है, तो सबसे पहले वो माता के मंदिर में पहुंचे, यहां से गुरुद्वारा जाएंगे, गुरुद्वारे से किसी पीर बाबा की जियारत पे जाएंगे। तो भाईचारे की भी हमने बात की, उन्होंने कहा खून और नाखून का रिश्ता है, मांस और हड्डी का रिश्ता है एक हिंदू और मुसलमान के बीच में। आप क्या सोचते हैं और आज जब आप वोट करेंगे असेंबली में क्या सोचकर वोट करेंगे, आपके मन में आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा वो आप जाने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है राइट टू वोट का। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आप जरूर फायदा उठाएं और वोट करने जरूर आए। देखते रहिए भावो एक्सप्रेस, आखिरी वार्ता आपके साथ जम्मू से।